स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल सक्सेस मास्टर में। आज आपके लिए लेकर आए नाउन के टाइप्स, नाउन के प्रकार। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नाउन पढ़े हुए थे, आज देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा हम लोग सभी लोग पढ़े हुए कि नाउन के कितने टाइप होते हैं, पाँच टाइप ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं एक बार। पहला होगा प्रॉपर नाउन, दूसरा होगा कॉमन नाउन, तीसरा होगा मटेरियल नाउन, चौथा होगा कलेक्टिव नाउन, और सबसे लास्ट यानी पांचवा होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी नाउन के कितने प्रकार होंगे, नाउन के पांच प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और लास्ट वाला अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबको बारी बारी से पढ़ते एक बार, कौन क्या होता है कौन डिफाइन करते एक बार फिर से। पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है, फिर समझेंगे कॉमन क्या होगा, फिर मटेरियल नाउन के बारे में समझेंगे, फिर कलेक्टिव नाउन के बारे में समझेंगे, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में समझेंगे। पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। सबसे पहले प्रॉपर का मीनिंग समझते हैं और नाउन का। प्रॉपर यानी क्या होगा? प्रॉपर का मीनिंग होता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर यानी खास होता है। प्रॉपर का मीनिंग क्या होगा? पार्टिकुलर। प्रॉपर का मीनिंग पार्टिकुलर होता है और नाउन का मीनिंग नाम होता है, नेम। प्रॉपर का मीनिंग क्या होगा? पार्टिकुलर, और नाउन का मीनिंग नेम होता है। और पार्टिकुलर का भी मतलब क्या होता है? कोई खास। पार्टिकुलर का मीनिंग क्या होगा? कोई खास। तो कोई खास नाम को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। किसी भी खास नाम को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। समझते एक बार, आखिर खास क्या क्या हो सकता है। सपोज ये एक आदमी है, ये दूसरा, ये तीसरा है। पहले वाले का नाम, सपोज ये अगर आदमी है तो इसका नाम तो होगा ही, सबका नाम होता है। जैसे मेरा नाम है नसीम, और भी अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम होता है, पर हर एक इंसान का एक फिक्स नाम होता है, एक खास नाम होता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो सपोज मानते हैं कि इसका नाम अगर राम है, इसका मोहन है, इसका सुहन है, सबका एक एक नाम है, सबका खास नाम है। और पार्टिकुलर का मीनिंग भी क्या होता है? खास होता है। यानी व्यक्ति के खास नाम, व्यक्ति के एक ही नाम होते हैं, व्यक्ति के खास नाम को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाम। व्यक्ति में क्या क्या आएगा? लड़का भी होगा, लड़की भी होगा, आदमी औरत सब आएगा, लड़का का नाम भी होगा उसमें, लड़की का नाम भी होगा। यानी व्यक्ति का कोई खास नाम हो तो उसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन, कोई खास नाम। आगे देखते हैं, फिर अगर बात करें स्थान का नाम, सपोज हम गए हुए हैं मुजफ्फरपुर, तो उस जगह पे गए हुए तो उस जगह का नाम है ना एक, अगर उस जगह का नाम है तब उसे बोल पा रहे हैं कि हम मुजफ्फरपुर है। तो उस जगह का एक खास नाम है, उस जगह का एक खास नाम है, तब बोलेंगे कि यहाँ यह मुजफ्फरपुर है। तो जगह के भी खास नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। जगहों के या स्थान बोलते हैं जगहों, जगहों के खास नाम को। जगह में क्या क्या होगा? पहले साहेबगंज हो सकता है, जैसे हम लोग साहेबगंज में हम रहते हैं, तो साहेबगंज भी तो एक जगह ही ना, साहेबगंज भी एक जगह है, कोई खास जगह है, वहां पे हम लोग रहते हैं। तो साहेबगंज भी क्या होगा? कोई खास नाम ही होगा, मुजफ्फरपुर होगा। दिल्ली में सपोज बहुत सारे लोग दिल्ली में भी रहते हैं, तो दिल्ली भी एक जगह खास नाम ही ना है, तो वो भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन। न्यूयॉर्क, अमेरिका वगैरह जितना हो गया सब क्या होगा? सब प्रॉपर नाउन होगा, एक खास नाम होगा। अगर जगह का कोई खास नाम हो तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। आदमी का कोई खास नाम होगा तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन, व्यक्ति के खास नाम।
व्यक्ति के खास नाम और जगह के खास नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। और आगे भी आएगा कुछ, देखते आगे। जैसे अगर बात करें दिन की, तो अगर दिन की बात करें, जैसे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 days। अगर देखें तो पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर क्या होगा, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन। एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। पर हर सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। पर हर दिन का अलग अलग नाम है, कोई खास नाम है ना। सपोज आज अगर संडे है, अगर आज संडे है तो इस दिन का नाम है, तभी ना बोले कि संडे है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ये संडे होगा तो अगले वाला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी सैटरडे तक होगा, उसका खास नाम है, तभी तो बोल पा रहे। तो क्या होगा, दिन के नाम भी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। अगर ये लिखिए 7 days होता है एक सप्ताह में, अगर एक वीक में 7 दिन होता है तो हर दिन का अलग अलग नाम, तो ये क्या होगा? पहला अगर सपोज लिखते संडे, तो संडे भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन। मंडे लास्ट तक होगा, सैटरडे तक होगा, यानी दिनों के नाम भी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे, कोई खास नाम ही है। हर दिन का अलग अलग नाम और हर दिन का एक एक नाम, अगर एक एक नाम है तो क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक उसी प्रकार से देखते, एक साल में कितने महीने? अगर कहे तो एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने? 12 महीने, 1 से 12 तक होता है। लिखते हैं, एक साल में 12 महीने, और 12 महीने में एक एक, 12 महीने में एक एक महीना होगा, 12 महीने तक, एक साल में 12 महीने होगा एक एक महीने का, और उस एक एक महीने का नाम होगा या नहीं होगा? उस एक एक महीने का नाम होता है। और अगर देखें तो पहले वाले महीने का नाम क्या होगा? जनवरी, दूसरे वाले का फरवरी, तीसरे वाले का मार्च, ऐसे कहाँ तक जाएगा? दिसंबर तक जाएगा। यानी हर महीने का एक नाम है, हर महीने का एक खास नाम है। तो हर महीने का जब खास नाम है तो प्रॉपर नाउन होगा या नहीं होगा? प्रॉपर नाउन होगा। तो हर महीने का खास नाम, हर दिन का खास नाम, हर व्यक्ति का खास नाम और हर स्थान का खास नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। देखते आगे, जैसे अगर बात करें हमारे धर्म ग्रंथों की, जैसे अगर देखिए बाइबल, द रामायण, द कुरान, ये सभी क्या है? धर्म ग्रंथ के नाम है। हर मजहब में, हर धर्म में, हर मजहब में क्या होता है? धर्म ग्रंथ होता है। जैसे हम लोग ऐसा, अगर ऐसा, अगर मैं मुस्लिम हूं तो मेरे धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? कुरान है। अगर हिंदू लोग हैं इंडिया में तो उनके धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? रामायण है। तो अगर कहे तो एक ही धर्म ग्रंथ का नाम है ना। अगर उस धर्म ग्रंथ की बात करें, कुरान की बात करें, तो एक धर्म ग्रंथ का नाम है, एक ही नाम है। भले ही बुक अलग अलग होंगे, बहुत सारे बुक होंगे कुरान, लेकिन उसका नाम तो एक ही है। अगर नाम एक ही है तो नाम खास होगा या नहीं होगा? अगर खास नाम होगा तो कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन होगा। होगा, आगे देखते हैं। जैसे अगर नदियों के नाम की बात करें, नदियों के नाम, जैसे अगर गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी, तो भारत में कितने गंगा नदी? एक ही गंगा नदी है, एक है, तब ना बोले कि उसका नाम क्या है? गंगा है। और उसका एक स्पेसिफिक नाम है, एक अपना नाम है, पार्टिकुलर नाम है, कोई खास नाम है। गंगा हो जाएगा, यमुना होगा, ये सभी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। अगर बात करें झील की, चिल्का झील का अगर हो गया, तो वो भी झील क्या है? एक ही है, तो वो भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन भी होगा, वो भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन ही होंगे। नदियों के नाम होंगे, जैसे हो गया इट इज, फिर क्या होंगे? झील के नाम, ये सभी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन ही होंगे, क्योंकि उस झील का एक नाम है। और झील का नाम क्या? चिल्का, बोल द चिल्का। ठीक उसी प्रकार से अगर देखें तो माउंट एवरेस्ट, पर्वत के नाम,
अच्छा माउंट एवरेस्ट दुनिया में कितने? एक ही है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की बात करें तो हिमालय का भी एक नाम है या नहीं है? है। जैसे अगर पठार की बात करें, द प्लेटी ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार, तो वो भी एक एक नाम है। उस पठार का, उस पर्वत का एक एक नाम है, अपना खास नाम है। तो वो सभी क्या होंगे? वो सभी प्रॉपर नाउन होंगे। लिखते एक बार, पर्वत के नाम भी क्या होंगे? पर्वत के नाम, पठार के नाम, ये सभी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। अगर पर्वत की के नाम की बात करें तो क्या होगा? हिमालय। फिर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। अगर पठार के नाम की बात करें तो पठार में क्या आएगा? प्लेटू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, तो ये सभी एक एक है। और सबका नाम, जैसे देखें ना, नदी का नाम एक है क्या? गंगा नदी। उसी प्रकार से अगर देखें तो पर्वत के नाम एक ही नाम है, माउंट एवरेस्ट, हिमालय। ठीक उसी प्रकार से पठार के नाम एक ही नाम है, द प्लेटू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार। तो हर एक एक चीज का अगर अपना नाम हो, स्पेसिफिक नाम हो, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाम। और भी आएगा, देखते और। जैसे अगर बात करें आकाशीय पिंड की, सन की बात करें, मून की बात करें, तो ये भी तो अकेला ही है इस संसार में, अकेला ही है। अगर अकेला है तो उसका भी नाम है। सन अकेला ही ना है, या सन बहुत सारे, सन अकेला ही है, मून भी अकेला ही है। अगर अकेला है तो वो क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। उसका नाम है तभी तो बोल पा रहे सूर्य। अगर उस चांद का नाम कुछ और आता तो कुछ और बोलते, पर नाम क्या है? चांद है, कुछ अपना नाम है उसका। अगर उसका कुछ खास नाम होगा तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। क्या होगा? आकाशीय पिंडों के नाम भी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। आकाशीय पिंडों के नाम, आकाशीय पिंडों में क्या क्या आएंगे? सन, द सन, द मून, द अर्थ भी होगा, इटिस, बहुत सारे होंगे। तो कह सकते हैं आकाशीय पिंडों के नाम भी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें तो स्मारक, जैसे ताजमहल की बात करें, लाल किला की बात करें, तो एक किला एक स्मारक है, पर उसका कुछ खास नाम है ना, तो खास नाम है तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या होता है? खास नाम हो। स्मारक के नाम भी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। स्मारक के नाम द ताजमहल, फिर क्या होगा? द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, द रेड फोर्ट, लाल किला बोलते, इटीसी। जितने भी स्मारक के नाम है सब क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर भाषा की बात करें, से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, हर अलग अलग एक एक भाषा है। अगर वो अलग अलग भाषा एक एक है तो उसका नाम है या नहीं है? उसका नाम है। ऐसे भाषा अगर बोले तो इंग्लिश भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है, संस्कृत भी एक भाषा है। अगर सबका नाम है और एक एक नाम है तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन होगा। लिखते हैं, भाषा का नाम भी क्या होगा? प्रॉपर नाउन। भाषा के नाम भी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें महीने के नाम के बारे में, जैसे इंग्लिश में तो हम लोग पढ़ लिए महीने, जैसे हिंदी में भी होता है चैत, बैसाख, रमजान वगैरह, तो वो भी तो एक महीने का नाम है। तो हिंदी में भी अगर महीने के नाम की बात करें, चैत हो गया, बैसाख हो गया, रमजान हो गया, वो सब भी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन ही होंगे। तो प्रॉपर नाउन का सीधा मीनिंग ये होगा कि जिसका खास नाम हो, जिसका एक नाम हो। इस दुनिया में जितना भी चीज है सबका अगर एक नाम हो, कोई खास नाम हो, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। कौन कौन से होंगे? पहले व्यक्ति के नाम होंगे, फिर क्या होंगे? स्थान के नाम,
फिर क्या होंगे, ग्रंथ के नाम होंगे, आकाशीय पिंडों के नाम होंगे, स्मारक के नाम, भाषा का नाम, महीना का नाम, दिन का नाम, ये सब का एक एक नाम होता है, एक खास नाम है। अगर खास नाम है तो कौन सा नाम होगा, प्रॉपर नाउन। तब तक के लिए इतना ही, आगे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।